Yo, what's guys? Welcome back to another video. Or guys, अलोक दोबारा से खेले जा रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे सिक्योरिटी और सबसे रेडस्टोन का पूरा खतरनाक वाला कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाई? क्योंकि ये वाला जो मैंने जो हमने जो मनाया है ना, ये वाला बहुत खतरनाक होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाता हूँ, कनेक्शन कह रहा हूँ, कनेक्शन दिखाता हूँ। तो भाई जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ से बैल की कोई आवाज़ आएगी, ठीक है? अभी तो भाई पूरा अगर मना नहीं है, मगर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई? तो अभी हमें फिर अगर कोई भी अगर घंटी बजाएगा तो हम लोग आएंगे और गैस गेट खोलेंगे। गैस अगर आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी अलग लग रही तो भाई मैं बता दूँ, मेरा जगला ख़राब है, ठीक है? और भाई ये देखो हमारा सबसे है ना, ये देखो ये हमारा डोर हाउस है। ये देखो भाई ये खोल हो गया, खोल बंद करते रहेंगे। और भाई कोई अगर चोर भी आ गया है ना, उसका मरना तो तय है। और भाई मैं आपको एक और ख़तरनाक वाली चीज़ दिखाता हूँ। मतलब ये जो आपको देख रहे हो ना गाइस, ये वाली जो कुर्सियाँ हैं, अगर हमें इस वाली कुर्सी पे बैठना है तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा। इस वाली लीवर पे क्लिक करना है, फिर सारी कुर्सी आ गई, फिर बैठ के फिर ये लीवर इस पे क्लिक कर दो, ये कुर्सी वापस अंदर चली जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भाई ये क्राफ्टिंग टेबल है ना। अगर फिर आप बोलो भाई इस क्राफ्टिंग टेबल के नीचे ऐसा है क्या जो ये भाई ये बोल रहा है, तो भाई मैं बता दूँ, ये क्राफ्टिंग ये है फुल नेदरराइट आर्मर। ये गाइस आपको कैसे लगा मुझे बताना। तो अभी हम लोग चलेंगे और गाइस ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड गोलम है, और ये हमारा ये पूरे किचन है ऑटोमेटिक। और भाई मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो आपको दिख रहा है ना इस वेटिंग टेबल, तो भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, इन दोनों डिस्पेंसर पे आपको ये वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है तो भाई यहाँ पर शल्कर ब्लॉक भी आ जाएगा। ओके भाई कैसा लगा गाइस आपको, क्या कहेगा मुझे बताना। भाई मुझे तो बहुत तगड़ा लगा। और गाइस ये है हमारा ऑटो मैटिक फार्मिंग सिस्टम। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वाटर आ जाएगा, फिर हम लोग इसे बंद करने की कोशिश करें तो वही वापस आ जाए। भाई ये आपको पफर फिश आपको दिख रही है ना भाई, इस पफर फिश के लिए गाइस आपको पता है मैंने इस पफर फिश को क्यों रखा है? भाई जो पफर फिश है ना, पफर फिश खुद ही मर गई भाई, क्या वो दिख रहे हो पफर फिश? इस पफर फिश को मैंने इसलिए रखा ताकि अगर कोई बाको चुराने के लिए आएगा तो पफर फिश उसको बहुत गंदा गेम बजेगी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट आर्मर, सेकेंड आर्मर, थर्ड आर्मर, फोर्थ आर्मर, और फिफ्थ आर्मर कौन सा है आपको पता ही नजर आए, ठीक है? और गाइस ये जो आपको कुर्सी ये जो सीढ़ी है ना, अगर हमें ऊपर जाना है तो इस पर क्लिक करो और भाई फिर ये बंद करो, फिर हम लोग ऊपर आ गए। और गाइस अगर कोई भी अगर हमें मारने के लिए आएगा ना तो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये जो लीवर है ना, सिंपली इस पर क्लिक करो, ये पूरी ज़मीन बंद हो जाएगी और बंदा जम के मर भी जाएगा, ठीक है? अभी के लिए ऑफ कर देते हो ना, कहीं ऐसे कि हमें नीचे गिरी जाए। गाइस ये देखो हमारा, मैं एक ऑटोमेटिक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना ऑब्जर्वर, ये सब दिख रहा है ना, जब हम इस पर क्लिक करें तो आँख दोनों निकली हुई, रेड भी निकली हुई, ब्लू भी निकली हुई, ठीक है? गाइस बहुत मस्त है ये, आपको तो ट्राई करना चाहिए अभी अभी गाइस। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये कुर्सी, ये जो टेबल बनाई है, ये टेबल मैंने उनके लिए बनाई है
जिन्हें पढ़ाई बहुत पसंद हो, वैसे मुझे भी पढ़ाई पसंद है। गाइस ये कुर्सी पे हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कुर्सी ऊपर आ जाएगी फ्रिज पे क्लीन करने में तो भाई ये खतरनाक वाला होगा। गाइस ये जगह हमारा बीकन भी है और ये हमारा विलेज चच्चू भी है। हेलो भाई कैसे हो? और भाई ये देखो यहाँ पर हमारे चेसो भी है जिन्हें मैंने अलग अलग किया था। और गाइस और अब मैं आपको ये दो दो बेड में आपको दिखाता हूँ, एक नीचे और एक ऊपर भी है, ठीक है। इस पर हम लोग जाएंगे ऊपर वाले पे सोना तो ऊपर वाले पे सो जाएंगे, ईंचे 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 वाले टेबल ईंचे वाले बेड पे सोना है तो ईंचे वाले बेड पे सो जाएंगे, ठीक है। अगर ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये एकदम ये वाला जो है ना, इसके लिए मैं इसके लिए तो मुझे बहुत टाइम लगा था। गाइस ये हमारा ये तोते का भी घर है। और गाइस मैंने ये अपना ये कंप्यूटर जैसा मैंने बनाया है, यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर माउस है, तो कंप्यूटर चलाते रहो, ठीक है। आपको पता है कि मैंने कंप्यूटर ये कि मैंने कंप्यूटर कैसे बनाया, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रिंटिंग चाहिए होगी, उसके बाद फिर आपको आइटम फ्रेम कोई सा भी ले लो। मैंने तो भाई ग्लो वाला लिया उसके उस उस उसके ऊपर फिर आपको है ना चेन, उसके बाद फिर आपको चेन वाला जो हेलमेट है ना, वो चेन वाला हेलमेट आपको फ्रेम के अंदर डालना होगा। उसके बाद फिर भाई फैशन प्लेट कोई सी भी लगा दो तो ये तो मस्त दिखेगा। भाई ये जो आपको दिख रहा है भाई बहुत सर्वाइवल वर्ल्ड में बना सकते हो आप। अरे बिकम बिकम देख लिया, मगर ये नहीं देखा होगा गाइस, ये जो है ना ये एकदम ये ऐसा लग रहा है ना कि ये जो आर्मर स्टैंड है ये अपनी तलवार के साथ खड़ा हुआ है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पिस्टल चाहिए होगा और साथ में आपको आर्मर चाहिए होगा, फिर आपको लीवर चाहिए होगा, उसके बाद फिर जो भाई आर्मर स्टैंड है, आर्मर स्टैंड पे आपको 5 बार क्लिक करना होगा और ये वाला डांस आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर भाई आपको लीवर को दबा के फिर जो आर्मर है ये आर्मर स्टैंड ऐसा हो जाएगा। फिर आप अपने आर्मर स्टैंड का कोई सा भी मतलब हेड बैड भी पहना सकते हो और थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हो, ठीक है। और भाई अभी तो बहुत सारा काम अभी बाकी भी है, जैसे कि नेदर पोर्टल बनाना भी तो बहुत सारा काम बाकी है, ठीक है। तो अब मैं आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वाला आयरन डोर है, ये तो भाई नॉर्मल आयरन डोर है, ठीक है। मगर ये देखो भाई एकदम जोर दिख रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसा है, मगर भाई बोल रहे भाई इसमें उसके बेसन के ऊपर चढ़के फिर ऐसा करे है ना भाई, ये भी तो भाई ये भी जोर वाला है क्या यार, तो भाई ये बहुत खतरनाक वाला है क्या। आप ये वाला हैक ना जरूर ट्राई करना, ठीक है। और भाई ये देखो ये वाला टिकटॉक इतना मस्त दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई शेल्फ मैंने लगा के रखा है। अब हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। और भाई हमने तो अपना है ना वो भी लगा के रखा है, और ये देखो ये पूरा रेस्टोरेंट का ये कनेक्शन है, और ये देखो भाई ये लाइटें वाइटें भी लगी हुई हैं। और भाई मैं आपको अब दिखाता हूँ ना, ये भाई शीप भी शीप है और ये शीप का बच्चा बड़ा भी हो गया वाह। और भाई यहाँ पर पोलर बियर के साथ एक बिल्ली भी है, और ये हमारी खुद की बिल्ली। मैं सोच रहा हूँ कि इस बिल्ली का नाम होना चाहिए झपकी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मशरूम, फिर भाई पोलर गाइस आपको पता है ये पोलर बियर कहाँ से आया, ये यहाँ से कूद के आ गया, वाह भाई तालियाँ। नहीं सॉरी पोलर बियर नहीं, पांडा धानी मैं भी यही बोल रहा हूँ। ये देखो भाई नहीं इनका स्टाइल देखो, उल्टे उल्टे हो रहे हैं पांडा। और भाई ये फॉक्स है हमारी प्यारी सी फॉक्स है। हेलो भाई कैसे हो? और भाई
और मैं आपको गाइस मैं आपको ये देखो मैंने ना एकदम मैंने लाइटें भी मैंने लगा के रखी है और साथ में भाई मैंने बैम्बू भी लगा के रखा है। और गाइस आज की वीडियो के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन एंड गुड बाय, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।